आज के इस वीडियो में हम सीरीज रीजनिंग का जो एक चैप्टर है उसे पढ़ेंगे और उसके सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो सीरीज के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनसे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्याओं के बारे में जानेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है कि जिसके गुणनखंड केवल एक और वह खुद स्वयं संख्या हो, एक वह स्वयं संख्या, गुणनखंड क्या हो? एक और स्वयं संख्या हो। और सीधी सी बात यह है इसमें कि वो केवल एक से और स्वयं संख्या से ही विभाजित होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अभाज्य संख्या, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य जो संख्या है वह है दो। अब एक जो है, एक जो है, एक न तो भाज्य है, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, न ही अभाज्य है, क्योंकि भाज्य और अभाज्य संख्या में दोनों की शर्त होती है, कंडीशन होती है कि अभाज्य संख्या उसे ही माना जाएगा जिसके केवल एक और स्वयं, एक और स्वयं दो गुणनखंड हो, कम से कम दो गुणनखंड, कम से कम और अधिक से अधिक, ठीक है, कम से कम और अधिक से अधिक दो ही गुणनखंड होने चाहिए उसमें। ये अभाज्य संख्या की शर्त होती है। और भाज्य संख्या की जो शर्त होती है कि जिसके एक स्वयं संख्या के अलावा, एक और स्वयं संख्या के अलावा भी और गुणनखंड हो, तो एक का केवल एक ही गुणनखंड है, इसके अलावा इसका और दूसरा कोई गुणनखंड नहीं है, तो इस शर्त को ये पूरा नहीं करता। इसलिए एक को न तो भाज्य संख्या में रखा गया है और ना ही अभाज्य संख्या में रखा गया है। तो एक हमारा भाज्य और अभाज्य दोनों ही नहीं है। अब एक से लेकर एक से सौ तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं, एक से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अब कुछ अभाज्य संख्याएं आपको हम बता देते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है, उसके बाद में 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, इस तरह से 100 तक टोटल जो संख्याएं हैं वो 25 अभाज्य संख्याएं हैं। टोटल 25 संख्याएं हैं, 25 संख्या है। अब यहाँ पर कुछ बेसिक्स जो है वो ये है कि दो जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो है ही, और 100 तक या सभी कुल अभाज्य संख्याओं में केवल दो ही एक मात्र संख्या है जो सम संख्या है, दो ही एकमात्र सम संख्या है। सभी अभाज्य संख्याओं में दो ही एकमात्र केवल जो संख्या है वो सम संख्या है, इसके अलावा कोई और दूसरी संख्या जो सम है वो अभाज्य संख्याओं में नहीं आती, अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको बता दिए। इसके अलावा इसमें जो हमारे को सवालों को हल करने के लिए आवश्यकता पड़ती है वो, एक तो हमें वर्ग संख्या का पता होना चाहिए। वर्ग संख्या, वर्ग संख्या जो किसी संख्या को उसी संख्या से, किसी संख्या को दो बार गुणा कर दें, जैसे दो है तो दो को दो बार गुणा कर दो, दो इंटू दो, तो ये हो जाएंगे चार, तो दो का वर्ग कितना हो गया? चार। तो इसी तरह से हम एक से 40 तक की संख्याओं के वर्ग याद रखें तो हमारे लिए सवालों को हल करने में आसानी रहेगी। तो एक से लेकर 20 तक हम आपको बता देते हैं, एक, दो का वर्ग 4, तीन का वर्ग 9, चार का वर्ग 16, पाँच का वर्ग 25, छः का वर्ग 36, सात का वर्ग 49,
आठ का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400। इसमें हम 40 तक ही पूरा लिख लेते हैं वर्ग संख्या। उसके बाद में है 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग 576, 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 676, 27 का वर्ग 729, 28 का वर्ग 784, 29 का वर्ग 841 और 30 का वर्ग होता है 900। अब हम 31 से लिखेंगे, 31 का वर्ग 961, 32 का वर्ग 1024। ये हमारे यहाँ पर 31 से लेकर 40 तक, 1 से लेकर 40 तक के पूरी वर्ग संख्या हमने यहाँ पर लिख दी है। उसके बाद में वर्ग संख्या के बाद में जो हमें आवश्यकता होती है वो होती है घन संख्याओं की। किसी भी संख्या का हम घन करते हैं, मतलब क्यूब करते हैं, तो उसी संख्या से दो बार गुना कर देते हैं। जैसे वो संख्या, ये एक संख्या है, इसको इसी संख्या से दो बार और गुना कर देते हैं, तो तीन बार हो गया टोटल। मतलब किसी भी संख्या की घात तीन हो, ये एक की घात तीन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम 20 तक इसके घन लिखते हैं, तो एक का जो घन होता है एक, दो का घन होता है 8, तीन का घन 27, चार का घन 64, पांच का घन 125, छः का घन 216, सात का घन 343, आठ का घन 512, नौ का घन 729 और 10 का घन होता है 1000। 11 से लिखेंगे हम यहाँ पर, 11 का घन 1331, 12 का घन होता है 1728, 13 का घन होता है 2197, 14 का घन होता है 2744, 15 का घन होता है 3375, 16 का घन होता है 4096, 17 का होता है 4913, 18 का घन होता है 5832, 19 का घन होता है 6859 और 20 का घन होता है 8000। तो आज के इस वीडियो में हमने जो श्रेणी श्री से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो आपको बताए हैं। अगले वीडियो में हम किस किस टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो बताएंगे और श्रेणी सीरीज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी हल करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।